Hello guys, I am Jitendra Yadav and you are watching online physics classes. And guys, आज हम लोग थोड़ा सा पीछे का recap करते हैं और इसके बाद हम लोग Coulomb's law के बारे में पढ़ेंगे. तो last time पे हम लोगों ने पढ़ा था कुछ charge और charge के बारे में. Charge एक type की property है. जब दो bodies को आपस में rubbing करते हैं तो rubbing के बाद में दोनों के पास एक ability create हो जाती है, जिस ability से वो छोटे छोटे टाइनी डस्ट पार्टिकल, पेपर पीस, इनको अट्रैक्ट करने लगते हैं. तो चार्ज की यही हम डेफिनेशन भी लिख सकते हैं. मीन्स क्या लिखेंगे? चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन अट्रैक्ट स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स लाइक डस्ट पार्टिकल, पेपर पीस, ड्राई लीव्स, हेयर कटिंग एक्सेट्रा. सो गाइस, इसके बाद हम लोगों ने लास्ट टर्न पे डिस्कस किया कि जो चार्ज थे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते थे या रिपेल कर सकते थे. सिमिलर काइंड ऑफ चार्ज रिपेल करते थे, अपोजिट काइंड ऑफ चार्ज अट्रैक्ट करते थे. तो ये अट्रैक्शन या रिपल्सन मींस वो एक दूसरे को फोर्स लगाते थे. तो बच्चों, अब हम आप सीखेंगे कि ये फोर्स कितना लगाते थे. इसको मेजर किया था अगस्टिन डी कूलम ने और उन्होंने इससे एक एक्सपेरिमेंट के जरिए फाइंड किया था. उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में टोरिशनल बैलेंस का यूज किया था. तो अभी हमें ये नहीं सीखना है कि टोरिशनल बैलेंस क्या होता है, बट आज हम उनके एक्सपेरिमेंट के कुछ बेसिक टर्म्स लेते हैं. उन्होंने देखा कि जो फोर्स होता था वो दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता था. किसी एक चार्ज की वैल्यू को हम डबल कर दें तो फोर्स डबल हो जाता था. Q1 या Q2 में से किसी एक को भी डबल कर देते हैं तो फोर्स की वैल्यू डबल हो जाती है. दोनों को हम डबल कर दें तो फोर्स की वैल्यू 4 times हो जाती थी. तो जो चार्ज पर फोर्स की डिपेंडेंसी थी वो उनके प्रोडक्ट पर डिपेंडेंसी थी. इसी तरह से फोर्स की डिपेंडेंसी और थी डिस्टेंस पर. अगर डिस्टेंस को डबल कर देते हैं तो फोर्स 4 times डिक्रीज हो जाता है. कैसे? उन्होंने बहुत छोटे छोटे दो पार्टिकल्स लिए स्टार्टिंग में, जिनको पॉइंट चार्जेस कहा गया. पॉइंट चार्जेस इसलिए कहा गया क्योंकि ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में स्प्रेड चार्ज के लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा. तो उन्होंने स्टार्टिंग में दोनों चार्ज को Q1 Q2 बहुत छोटे चार्ज थे. सपोज इसका मास M1 है और इसका मास M2 है. दोनों में डिफरेंट डिफरेंट चार्ज है, एक में Q1 दूसरे में Q2 है और ये कुछ r डिस्टेंस पे रखे हैं. इनके बीच में कभी मीडियम डाल के देखा, कभी मीडियम हटा के देखा, इन चार्जेस की वैल्यूज को चेंज किया, कभी कम किया, कभी ज़्यादा किया, डिस्टेंस को चेंज किया. और इस बेसिस पर इन्होंने इनके बीच में लगने वाले फोर्सेस का स्टडी किया. सपोज दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज होंगे तो दोनों में रिपल्सन होगा, या दोनों नेगेटिव चार्ज होंगे तो दोनों पर रिपल्सिव फोर्स होगा. This would be force on one due to two, and this would be force on two due to one. Similarly, अगर ये दोनों अपोजिट काइंड ऑफ फोर्स होते तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते. ये इसको अट्रैक्ट करता, ये इसको अट्रैक्ट करता. ये होता फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इस तरफ, और ये होता फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन इस तरफ. दोनों में अलग अलग फोर्स लग रहा है. इन दोनों से एक चीज पता चलती है कि फोर्स वन पर जो टू की वजह से लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड 2 पर 1 की वजह से जो लग रहा है उसके इक्वल था, और उसको इन्होंने एफ इलेक्ट्रिक लेट किया उस मैग्नीट्यूड को. दूसरा, जो फोर्स 1 पर लग रहा था 2 की वजह से, उसका डायरेक्शन 2 पर 1 से अपोजिट लग रहा था, एक्शन रिएक्शन पेयर की तरह. एक्शन रिएक्शन पेयर में क्या होता है? फोर्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं, डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होते हैं. एक और खास चीज थी, जनरली इसको लिखने में बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं और ये चीज बहुत मैटर करती है. जो एग्जामिनर होता है उसे पता होता है कि आप लिख क्या रहे हो. आपकी लैंग्वेज देख करके वो आपके नॉलेज के बारे में आइडिया लगा सकता है. एक और जो मेन चीज है, ये जो फोर्स लगता है वो दोनों चार्जेस के सेंट्रल को मिलाने वाली लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग वर्क करता है. ऑलवेज दोनों चार्जेस के लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग वर्क करता है, इसलिए इसको हम लोग सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं. इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल फोर्स कहते हैं. अब आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ. जैसे ये दो चार्ज होते, सपोज ये दो चार्ज है हमारे पास,
एक पर फोर्स F12 ये होता और दूसरे पर F21 ये होता, इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग ये है। सपोज इन केस अगर दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल होता तो फोर्स के मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन वाइज भी दोनों अपोजिट है, तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है, बट ये इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं हो सकते थे। रीजन, क्योंकि इसका लाइन एक्शन इस डायरेक्शन में है, इसका लाइन एक्शन इस डायरेक्शन में है, दोनों के लाइन एक्शन अलग अलग है, तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं हो सकते थे। एक्शन रिएक्शन पेयर तो हो सकते थे, बट ये इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं हो सकते थे। यहां पर यही चीज खास ध्यान रखना है कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर भी होंगे और जो फोर्स होंगे वो उनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम होनी चाहिए, एक ही लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग होनी चाहिए, इसीलिए इनका नाम है ये सेंट्रल फोर्स भी होते हैं। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों का बराबर होगा, डायरेक्शन में अपोजिट होगी। और तीसरी चीज जो हमको याद रखना है वो F12 और F21 की डायरेक्शन एक ही लाइन के लॉन्ग होगी, लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग होंगे। तो अब अगर हम इस इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू देखें तो ये चार्जेस के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है और उनके बीच जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो गाइस, हमारे पास जो चार्जेस की वैल्यूज थी इनको अगर हम डिफरेंट करके देखें तो फोर्स की वैल्यू भी चेंज हो जाती है, और वो चेंज कुछ इस तरह से आता है जैसे कि वो उनके प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रही हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसकी बात करूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर Q1 की वैल्यू हमारे पास सपोज 25 कूलम होती और Q2 की वैल्यू होती है 25 कूलम, तो प्रोडक्ट इस बार कितना आ जाता Q1 Q2 का 625। ये एक्सपेरिमेंट वन होता, और एक्सपेरिमेंट टू में देखिए आप, Q1 की वैल्यू 1 कूलम होती और Q2 की वैल्यू 49 कूलम होती। तो Q1 और Q2 इस बार मैग्नीट्यूड कितने आते हैं, 1 × 49 means 49। जब मैं Q1 की वैल्यू ये लेता हूँ, Q2 की वैल्यू ये लेता हूँ और इनको r डिस्टेंस पे रखा, तो इसके लिए जो हमारे पास फोर्स आया वो F1 आया, और जब मैं Q1 की वैल्यू ये लेता हूँ और Q2 की वैल्यू ये लेता हूँ तो इससे जो फोर्स निकल के आया वो F2 निकल के आया। जब मैंने इस F1 और F2 का रेशियो लिया तो जस्ट 625/49 आया। तो इससे पता 625 पहले एक्सपेरिमेंट के लिए Q1 Q2 की वैल्यू थी और 49 थी दूसरे एक्सपेरिमेंट के लिए F2 की वैल्यू। तो जो रेशियो आया वो 625/49 आया, बाकी सारी चीजें मैंने सेम रखी थी, यहाँ का मीडियम सेम रखा, यहाँ का डिस्टेंस सेम रखा, केवल चार्ज को चेंज करके देखा। तो जो फोर्स के रेशियो आए वो उनके प्रोडक्ट के रेशियो जितने आए, इट मींस हम कह सकते हैं कि जो फोर्स है वो उन चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट था डिस्टेंस को लेकर के, उन्होंने देखा कि जब इन चार्जेस के बीच में डिस्टेंस को चेंज कर देते हैं तो फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाती है। कैसे चेंज हो जाती है, फोर्स की वैल्यू डिस्टेंस की किस पावर पे डिपेंड करेगी। तो हमने जब इस डिस्टेंस को हाफ कर दिया तो फोर्स 4 times इंक्रीज हो गया, डिस्टेंस डबल कर दिया तो फोर्स 1/4 time डिक्रीज हो गया, मींस फोर्स कम कर रहे हैं, डिस्टेंस कम कर रहे हैं तो फोर्स बढ़ रहा है, और डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो फोर्स घट रहा है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब डिस्टेंस हाफ करते हैं तो फोर्स 4 times से ज्यादा हो जाता है, मींस स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। अगर आप इन दोनों चार्जेस को एयर में रख दें, कैसे रख दिया जाए, एयर में रख दिया जाए, तो ये फोर्स हमको एयर में ऑब्जर्व होगा। तो ये जो फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स एयर में ऑब्जर्व होगा, तो इसको हम इन दोनों को एक साथ जब करेंगे तो Q1 Q2/r² हो जाएगा। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा के, सपोज इसे के ले लेते हैं Q1 Q2/r², इस के की वैल्यू कितनी चीजों पर डिपेंड करती है,
इसकी वैल्यू फर्स्ट तो मीडियम पे डिपेंड करेगी, दूसरी सिस्टम ऑफ मेजरमेंट पे डिपेंड करेगी, और किस पे डिपेंड करेगी? अभी हम एक एक पर देखते हैं, पहले मीडियम पर देखते हैं। अगर हम मीडियम को एयर ले लेते हैं और फिर सिस्टम पर देखेंगे, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट को देखेंगे। अगर इनके बीच में हम एयर ले लें, क्या ले लें? एयर ले लें, तो सपोज तब एक्सपेरिमेंटली जो के की वैल्यू आएगी वो अप्रोक्सीमेट 9 × 10⁻¹⁰, एक्चुअली में ये कुछ ऐसा आएगा 8.98754 × 10⁹9, जिसको आप अप्रोक्सीमेटली 9 × 10⁹ लिख सकते हैं। तो जब हम एयर में लेंगे फोर्स, तो आप यूँ लिख सकते हैं एफ फॉर एयर इज इक्वल टू 9 × 10⁹9 Q1 Q2 upon R square। K की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली ये तब आती है जब आपने मीडियम को क्या लिया है, मीडियम में एयर लिया है, और जो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट लिया है वो आपने SI चूज किया है, तब K की वैल्यू 9 × 10⁹9 आएगी। आप मीडियम चेंज कर दें, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट चेंज कर दें, ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से जब एयर में दो पॉइंट ऑब्जेक्ट को रखते हैं जिनमें Q1 Q2 चार्ज होगा, तो उनके बीच में जो फोर्स होगा वो F इक्वल टू 9 × 10⁹9 Q1 Q2 upon R square। इसको मैंने SI सिस्टम में लिया है तो फोर्स की वैल्यू भी SI सिस्टम में आएगी। तो आपको यहाँ पे न्यूटन लिखना मस्ट होगा, अगर आपने न्यूटन नहीं लिखा तो ये फॉर्मूला रॉन्ग माना जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ स्पेसिफाइड कर दिया के की वैल्यू को, किसमें? एयर के लिए और सिस्टम ऑफ यूनिट के लिए। तो इसलिए ये अगर आपने SI सिस्टम में रखा है तो आप फोर्स को भी SI सिस्टम में रखना होगा, तो इसलिए इसको हम लोग न्यूटन में लिखेंगे। तो यहाँ से हमने सीखा कि अगर दो चार्ज हैं एक दूसरे से एयर में रखे हुए हैं Q1 Q2, तो उन दोनों पर इक्वल अमाउंट का फोर्स लगेगा, डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होगी और लाइन ज्वाइनिंग दोनों की सेम होगी। तो इस तरह से इस K की वैल्यू को हम लिख सकते थे 9 × 10⁹9। अब बात करते हैं, एक और पैरामीटर है, एक एप्सिलन होता है जिसको हम लोग परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू जो होती है एप्सिलन नॉट की, उसकी वैल्यू होती है 8.854 × 10⁻¹¹ के आसपास आएगी। तो आप इसको अगर 1/4π के साथ रखेंगे तो पाई की वैल्यू आपको पता है, 4 से मल्टीप्लाई करो, एप्सिलन की ये वैल्यू रखो, तो ये वैल्यू आएगी 8.9874 × 10⁹9, जिसको आप फिर से अप्रोक्सीमेटली 9 × 10⁹9 लिख सकते हो। मीन्स अभी आपने ये जो नंबर लिखा हुआ है 9 × 10⁹9, आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं इस कांस्टेंट टर्म से। तो अब ये क्वेश्चन आता है हमारे सामने कि जब हमको न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है तो बेवजह खामखा हम इसको एक फिर से पैरामीट्रिक फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं? तो उसका रीजन ये है कि ये आगे चल के हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें इस पैरामेट्रिक फॉर्म को रखने पर हमारे बहुत सारे कैलकुलेशन इजी हो जाएंगे, इसलिए इसको रखते हैं, और इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो आप इस 9 × 10⁹9 को रिप्लेस कीजिए, ये जो वैल्यू होगी वो 1/4π एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 upon R square हो जाएगी। तो आप ये वैल्यू लिख लें या ये वैल्यू लिख लें, बात एक ही है, 9 × 10⁹9 Q1 Q2 / R square, दिस मच न्यूटन। आपको न्यूटन लिखना मस्ट है, अगर आपने न्यूटन नहीं लिखा तो ये फॉर्मूला गलत मान लिया जाएगा। तो एयर के लिए और दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस है और सिस्टम ऑफ मेजरमेंट आपने SI लिया है, तो आप दोनों चार्जेस के बीच में ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब बात करते हैं कि अगर हम
सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऐसा ही रखें लेकिन मीडियम चेंज कर दें। अब कोई ऐसा मीडियम डाल दें इनके बीच में, सपोज ये दोनों चार्जेस थे हमारे पास, नाउ हम इनमें कोई एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के डाल देते हैं, ये स्मॉल के है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो जो फोर्स होगा इस बार मीडियम में उस एयर के फोर्स से के टाइम्स लेसर आएगा। तो जो मीडियम में फोर्स है, एयर में फोर्स था 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और ये इससे के टाइम्स कम होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते थे, 1/4πε₀Q1Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर एंड दिस के। तो ये जो नंबर आएगा फिर से एक बार ε₀ k, ये मीडियम की परमिटिविटी होगी। हम यहां पे लिख दे रहे हैं, ये जो ε₀ k है स्मॉल के, इसको हम लोग एप्सिलॉन मीडियम कहेंगे, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और जनरली इसे ई मीडियम से हम लोग डिनोट करते हैं। तो इस फॉर्मूले को आप इस तरह से भी रीअरेंज कर सकते थे, एप्सिलॉन मीडियम इनटू आर स्क्वायर, तो ये मीडियम के लिए फोर्स हो गया। बेस आप देख सकते हैं कि एप्सिलॉन मीडियम डिवाइड बाय अगर एप्सिलॉन नॉट किया जाए तो ये स्मॉल के आ जाएगा, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, और ये जो होता है एप्सिलॉन आर होता है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मींस जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो परमिटिविटी ऑफ, ये इसे हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, दो परमिटिविटी का ये रेशियो है, दिस इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड दिस इज परमिटिविटी ऑफ परमिटिविटी इन एयर और वैक्यूम, तो इसे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी कहते हैं। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ स्पेस या वैक्यूम की जो रेशियो आएगा उसे हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। तो इसका नाम हम लिखेंगे रिलेटिव परमिटिविटी, और ये होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मींस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड रिलेटिव परमिटिविटी आर सेम थिंग। तो इस तरह से आप इसको के को एप्सिलॉन आर भी लिख सकते थे। तो कुछ बुक्स में इस तरह से भी लिखते हैं मीडियम के लिए, 1/4πε₀, और के को हम लोग रिप्लेस कर सकते थे एप्सिलॉन आर। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस ये डराने के लिए होता है, दिस मच न्यूटन, आपको न्यूटन जरूर लिखना है। अगर आपने यहाँ पे 4π टाइप का कुछ टर्म्स लिखा है तो न्यूटन जरूर लिखना पड़ेगा। तो ये दो चार्जेस के बीच में जब मीडियम हो तब उसके लिए दोनों में कितना फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड है, दोनों में इक्वल अमाउंट का फोर्स लगेगा, मतलब जितना ये उस पर फोर्स लगाएगा उतना ये इस पर लगाएगा। यहाँ से एक चीज, एक क्वेश्चन बना सकते हैं हम लोग, सपोज हमारे पास ये 100 कूलम का एक चार्ज है और ये कुछ 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो दूसरा कोई चार्ज 1 कूलम का, आपसे पूछा जाए कौन सा चार्ज ज़्यादा फोर्स लगाएगा, तो ऑब्वियसली जो फोर्स की वैल्यू है दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है, तो दोनों का प्रोडक्ट तो 100 ही होगा और दोनों की वैल्यू बराबर होती है, दोनों इक्वल फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से चार्ज के अमाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी एक चार्ज की वैल्यू चाहे कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो और किसी दूसरे की वैल्यू कितनी भी कम क्यों ना हो, फोर्स की वैल्यू इक्वल रहने वाली है। तो ये था मैग्नीट्यूड फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ में हमने, अब यहाँ से हमने ये सीखा, अब इसको डिफाइन कर सकते हैं। मेरा इंटेंशन ये था कि आपको एक शार्प डेफिनेशन क्या लिखनी चाहिए इसमें, तो शार्प डेफिनेशन ये लिखनी चाहिए कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, इनवर्सली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है इनके डिस्टेंस के, और
जो थर्ड पॉइंट हमें लिखना है वो ये है कि ये लाइन जॉइनिंग के अलॉन्ग होगा। तो इसके डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, द फोर्स द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज करना मेंशन करना जरूरी है, द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन देयर प्रोडक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम एंड ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू देयर सेंटर। अब बात करते हैं, अब मैं आपको थोड़ा सा एक और चीज बताना चाहता हूँ कि पॉइंट चार्ज ही क्यों लिए गए। सपोज ये स्फीयर बड़े होते तो क्या होता और ये काफी एक दूसरे के नजदीक होते, तो इसमें जो चार्ज होता है यूनिफॉर्मली सपोज डिस्ट्रीब्यूट है इसके सरफेस पर और ये कंडक्टिंग स्फीयर होते। ये आगे चल के हम इस पर और थोड़ा डिस्कस करेंगे, जब ये पास पास में आते तो रिपल्सन की वजह से जो चार्ज की डेंसिटी होती वो यूनिफॉर्म नहीं होती, यहाँ पे कम होती और यहाँ पे चार्ज डेंसिटी थोड़ी ज्यादा होती। तो जो चार्ज डेंसिटी अगर यूनिफॉर्म नहीं होती तो जो इनका चार्जेस का सेंटर होता है, इस चार्ज का जो सेंटर होता वो कहीं यहाँ पे होता, इस चार्ज का जो सेंटर होता वो कहीं यहाँ पे हो गया सपोज, तो अब ये डिस्टेंस इनके बीच की इफेक्टिव डिस्टेंस ये मानी जाएगी। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, पहले हमने जो लिया था इसका चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूट था और इसका चार्ज कुछ यहाँ डिस्ट्रीब्यूट था। अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था तो इसका चार्ज का सेंटर यहाँ लिया जा सकता है, इसके चार्ज का सेंटर यहाँ लिया जा सकता है, तो जो डिस्टेंस थी वो दोनों के सेंटर टू सेंटर मिलाने वाली डिस्टेंस ले सकते थे, बट इस बार ये सेंटर से कुछ अलग आएगी डिस्टेंस, इसलिए एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए फार्मूला वैलिड नहीं होगा, ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड होगा। तो कूलम्स ने फर्स्ट टाइम इनको पॉइंट चार्ज लेकर के किया था और इस फार्मूले को केवल पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड मान सकते हैं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए नहीं। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए हमको कैलकुलस यूज करनी पड़ेगी। दूसरी चीज और, ये जो कूलम्स जो चार्ज होता है, जैसा कि हमने पढ़ा है कि जो चार्ज है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, स्पीड पे उसकी वैल्यू डिपेंड नहीं करती है, जबकि मास की वैल्यू स्पीड पे डिपेंड करती है। सपोज दो ये पार्टिकल हैं, दोनों का मास m1 m2 है, अगर इनकी स्पीड कुछ लाइट की स्पीड के कंपैरेटिवली मेजरेबल हो तो इनके जो मास होंगे वो फिर सेम नहीं रहेंगे। इसके लिए आप फार्मूला जानते हो, मास जब मूविंग मास होता है तो उस वो स्टैटिक मास या रेस्ट मास से कुछ अलग होता है और इसको हम लोग वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर कुछ ही लिखेंगे। तो ये डायनामिक मास होगा और ये रेस्ट मास होगा, दोनों सेम नहीं होंगे। तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स अगर देखा जाए तो रेस्ट कंडीशन में कुछ और होगा, अगर इसका मास m1 इसका मास m2 है, और डायनामिक कंडीशन में इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कुछ अलग आएगा। क्यों अलग आएगा, क्योंकि स्पीड के साथ साथ मास भी चेंज हो जाएगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज हो जाएगा। बट इन केस ऑफ चार्ज चार्ज की वैल्यू स्पीड इंडिपेंडेंट होती है, तो फिर जितना चार्ज यहाँ पर होगा रेस्ट स्टेट में उतना ही इनकी डायनामिक स्टेट में भी चार्ज रहेगा, तो जो चार्ज की वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जितना इस कंडीशन में लग रहा था उतना ही इस कंडीशन में लगेगा, तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो स्पीड इंडिपेंडेंट है। तो ये हुआ फोर्स का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन हमको पता है कि लाइन जॉइनिंग के अलॉन्ग होगी। लाइन जॉइनिंग के अलॉन्ग किस तरफ होगी, अट्रैक्शन होगी या रिपल्सन होगी, ये डिपेंड करेगा कि उनका साइन कैसा है। अगर दोनों सिमिलर काइंड ऑफ चार्ज है, मीन्स दोनों आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव है, तो उनके बीच में रिपल्सन। अगर दोनों में अपोजिट काइंड ऑफ चार्ज है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो और डायरेक्शन हमेशा लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग रहेगी। इस फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये फोर्स दोनों चार्जेस के बीच मीडियम पे डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा नहीं करता था, इनके बीच वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता था, ये सेंट्रल फोर्स है, जो हमने पढ़ा है वही प्रॉपर्टी बन जाएगी। ये कंजर्वेटिव फोर्स भी होता है, कंजर्वेटिव का मतलब ये होता है कि अगर हम क्लोज्ड पाथ में वर्क डन देखें तो वो जीरो हो जाएगा,
अगर हम इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में किसी क्लोज्ड पाथ में वर्क डन निकालें तो वो जीरो आएगा। एक और चीज़ कह सकते हैं कि अगर हम इसको एफ डॉट डी आर के कैलकुलेट करें और ये कैलकुलेशन सर्कल के लिए जीरो आ जाए क्लोज सर्कल के लिए, तो इसको हम लोग एफ डॉट डी आर इसे कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ये सब बेसिक प्रॉपर्टीज में है जो कि हम लोग मैकेनिक्स में डिस्कस कर चुके हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, हमने उसको डिटेल में पढ़ा था वहाँ पर। अब बात करेंगे कूलम्स फोर्स के वेक्टर फॉर्म की। तो कूलम्स फोर्स का वेक्टर फॉर्म कैसे निकालेंगे, कभी कभी सीबीएसई के एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो सपोज हमारे पास दो पॉइंट चार्ज है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं, बहुत आसान काम है। आप इसको वैसे ही देखें जैसा कि अभी हमने पॉइंट चार्जेस के लिए पढ़ा हुआ था। तो ये सपोज क्यू वन चार्ज है, इसके किसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में क्यू वन का जो पोजीशन वेक्टर है वो आर वन है, क्यू टू का जो पोजीशन वेक्टर है वो आर टू है। ये इनके बीच में हम कुछ डिस्टेंस आर लेट कर लेते हैं। सपोज ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है। अभी हम लेट करेंगे कि दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं, ऐसा मान के चलते हैं, कुछ भी ले सकते हैं वैसे, अलग भी ले सकते थे। तो दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज होंगे तो ये इसको रिपेल करेगा इस तरफ, सो दिस वुड बी द फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, और Q1 को रिपेल करेगा Q2, सो दिस वुड बी फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग रहेंगे। आप देख सकते हैं कि जो फोर्स F21 की डायरेक्शन वो इस तरफ है A से B की तरफ, और जो F21 है वो B से A की तरफ है। मतलब आप यूं कह सकते हैं कि जो फोर्स है 21 वो बी ए कैप की डायरेक्शन में है और जो फोर्स एफ वन टू है वो ए बी कैप की डायरेक्शन में। हमको इनका मैग्नीट्यूड तो पता ही है, अगर हम वेक्टर फॉर्म लिखना चाहें तो सपोज हम एफ वन टू वेक्टर लिखना चाहते हैं तो वेक्टर का मतलब है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड के बारे में मुझे पता ही है और डायरेक्शन भी मुझे पता है, F12 की डायरेक्शन है ए बी कैप की डायरेक्शन में। अब मैग्नीट्यूड और ए बी कैप को हमें लिखना होगा, ये भी बड़ा आसान है लिखना। अगर हम ए बी वेक्टर की बात करें ए से बी की तरफ तो ये होगा ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस हेड जिसके ऊपर होता है उसका पोजीशन वेक्टर पहले लिखते हैं, टेल जिसके ऊपर होता है उसका बाद में लिखते हैं। तो इसको हम लोग R2 माइनस R1 लिख सकते हैं, ये AB कैप AB वेक्टर हो गया। इसी तरह से अगर हम AB कैप फाइंड करें तो इस वेक्टर AB में से AB के मॉड से हमको डिवाइड करना होगा। AB का मॉड कैसे लिखा जा सकता है, AB का मॉड हो सकता है, यहां लिख देते हैं ए बी का मॉड या बी ए का मॉड सेम होगा। ए बी के मॉड को लिख सकते हैं आर टू माइनस आर वन का मॉड, और इसको लिख सकते हैं आर वन माइनस आर टू का मॉड, और ये दोनों ही वैल्यू इस आर के बराबर आएंगी। मॉड का मतलब ए से बी तक की लेंथ या बी से ए तक की लेंथ, ये दोनों ही केस में बराबर रहेगी और वो ए आएगी। तो ए बी कैप कुछ हम इस तरह से लिख सकते थे, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखें तो ए बी कैप आएगा, ए बी का मतलब है आर टू माइनस आर वन, और ए बी मॉड होगा आर टू माइनस आर वन का मॉड। मैग्नीट्यूड हमको पहले से पता है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर इंटू ए बी कैप, सो वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू। आर को आप कुछ भी लिख सकते हैं, आर वन माइनस आर टू का मॉड या आर टू माइनस आर वन का मॉड,
हम वैसा ही लिखेंगे जैसा हमको ए बी कैप में चाहिए। तो ए बी कैप में हमको आर टू माइनस आर वन चाहिए, तो हम ये वाली वैल्यू लिख लेंगे, आर टू माइनस आर वन का मॉड, स्क्वायर लगा था तो मैंने स्क्वायर कर दिया। ए बी कैप को अब यहाँ से उठा के रख लें, आर टू माइनस आर वन अपॉन आर टू माइनस आर वन का मॉड, नीचे दो बार मॉड आया, इस एक स्क्वायर और एक में पावर वन है, तो ये पावर थ्री हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन, इन दोनों को एक साथ कलेक्ट कर लीजिए, तो ये बनेगा आर टू माइनस आर वन का मॉड और इसका क्यूब इंटू आर टू माइनस आर वन। ठीक, तो ये मैग्नीट्यूड को शो करेगा, ये मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मॉड है, ये डायरेक्शन को शो करेगा। तो ये पहले वाले चार्ज पर दूसरे वाले चार्ज की वजह से कितना फोर्स लग रहा है उसका वेक्टर फॉर्म हमने लिख लिया। इसी तरह से हम Q1 चार्ज पर Q2 की वजह से कितना फोर्स लग रहा है उसको भी बता सकते हैं। तो Q2 पर, सॉरी ये 1-2 पर था, 1 पर 2 की वजह से था, इसको 2-1 कर देते हैं, ओके तो अब F12 देख लेते हैं। तो F12 के डायरेक्शन किधर है, वो इस तरफ है, B to A, तो मॉड तो इसका वही होगा, मॉड F12 होगा, और 12 की डायरेक्शन क्या होगी, B to A, B to A, और डायरेक्शन के लिए हम कैप लेते हैं, तो मॉड की वैल्यू यही 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर में क्या लेंगे, बी ए कैप के अकॉर्डिंग लेंगे। अब बी ए कैप क्या लिखा जा सकता था, यहाँ से देख सकते हैं आप, इसमें उल्टा हो जाता, ये आर वन माइनस आर टू हो जाता और ये आर वन माइनस आर टू का मॉड कर दिया, तो इसके अकॉर्डिंग लेंगे, बी ए कैप के अकॉर्डिंग, तो आर वन माइनस आर टू होता और इसका मॉड होता स्क्वायर कर देते क्यूब, सॉरी यहाँ पे क्यूब कर देते फाइनली, और यहाँ पे आर टू माइनस आर वन है तो इस बार हो जाता आर वन माइनस आर टू वेक्टर। तो फिर से ये वैल्यू जो आएगी वो एक मैग्नीट्यूड को शो करेगी और ये डायरेक्शन को शो करेगी। तो ये पार्टिकल वन पर टू के कारण या चार्ज वन पर टू के कारण कितना फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू आ गई। तो ये हुआ हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। इसके बाद इसको आप नोट कर लीजिए, हम इसके कुछ एप्लीकेशन देखते हैं। ओके बच्चों, तो एक बार हम देख लेते हैं कि वेक्टर फॉर्म का मीनिंग क्या है और स्केलर फॉर्म का क्या मीनिंग है। तो जब हम वेक्टर फॉर्म यूज करेंगे तो चार्जेस को विद साइन यूज करेंगे, और जब स्केलर फॉर्म को यूज करेंगे तो चार्जेस को विदाउट साइन यूज करेंगे। मतलब चार्ज के साइन गिवन भी हो तो भी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में हम लोग साइन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर हमें केवल मैग्नीट्यूड फॉर्म चाहिए। और अगर हमें वेक्टर फॉर्म चाहिए तो हमें मस्ट होगा चार्जेस को विद साइन, विद प्रॉपर साइन यूज करना, और बहुत आसानी से। अगर हम इसको जल्दी से लिखना चाहें बिना किसी रुकावट के, बिना किसी डेरिवेशन के, जल्दी से केवल हमको फार्मूला लिखना हो, तो सपोज ये Q1 Q2 है और इसका पोजीशन वेक्टर ये R1 है, इसका R2, और मुझे इस पर फोर्स चाहिए F12 चाहिए, तो F12 को आप तुरंत लिख सकते हैं F12, इसके पोजीशन वेक्टर में R1 माइनस R2 आएगा, तो इसलिए 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वन माइनस आर टू के यहाँ पे मॉड ले लिया जाएगा और क्यूब कर दिया जाएगा, और यही चीज दोबारा ऊपर लिख दी जाएगी आर वन माइनस आर टू का वेक्टर फॉर्म। इसी तरह से आप एफ टू वन को जब लिखेंगे तो इसको उल्टा कर दीजिए,
1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 में r2 minus r1 कर दीजिए और इसके mod का cube और यहाँ पे वापस r2 minus r1 हो गया। तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो वेक्टर फॉर्म इसलिए जरूरी है क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ये हमने फार्मूला दो पॉइंट चार्जेस के लिए पढ़ा। अगर स्पेस में दो से ज़्यादा पॉइंट चार्जेस हों तो उनके बीच में क्या फोर्स लगेगा। फोर्स एक टाइप का इंट्रैक्शन है, यहाँ पर अट्रैक्शन या रिपल्सन, इंट्रैक्शन मीन्स अट्रैक्शन या रिपल्सन। तो फोर्स इंट्रैक्शन होता है, वो ये उस तरह से हो सकता है, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जैसे हम लोग पढ़ते थे 11th क्लास में, तो वैसा ही कुछ है। क्योंकि जब भी कोई डायरेक्शन आएगी तो वहाँ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वैलिड होगा। इसको बहुत सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज ये चार्ज हमारे पास Q1 था और इसके नेबरिंग में कोई ये चार्ज Q2 हमने r डिस्टेंस पर रख दिया, तो इन दोनों के बीच में एक इंट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा था। सपोज Q1 पर या तो ऐसे फोर्स वर्क कर रहा होगा या इस तरह से वर्क कर रहा होगा लाइन ज्वाइनिंग के अलावा। बट अगर हम कोई तीसरा फोर्स, तीसरा चार्ज लेके आ जाए Q3, तो इनके बीच के इंट्रैक्शन में कोई एक्स्ट्रा फर्क नहीं आएगा, इनके बीच में एक और रिलेशन इस्टेब्लिश हो जाएगा। अभी ये 1, 2 के बीच में फोर्स थे, इधर या फिर इधर कुछ भी हो सकता है। सपोज दोनों ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो अभी हम देख सकते हैं कि इनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो ये F12 के लिए ये फोर्स रहेगा। हम सपोज करते हैं F3 फिर से पॉजिटिव है, तो ये इसको इधर अट्रैक्ट कर लेगा, तो इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी F13। अब F13 मतलब इस फोर्स के आ जाने की वजह से इस पर कोई भी चेंज नहीं आने वाला, मतलब इन दोनों के बीच में जो पहले प्यार था वो इस तीसरे पर्सन के आने से भी कोई कमी नहीं आएगी, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड इनके बीच में बन गया। लेकिन इसकी स्ट्रेंथ में और इसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया। इसी तरह से इसमें, इस फोर्स में इसकी प्रेजेंस से या इस चार्ज की प्रेजेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब कहीं ऐसा हो कि किसी भी चार्ज पर या किसी बॉडी पर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का जो फोर्स है वो इंडिविजुअली एक दूसरे पर डिपेंड ना करते हों, केवल उस पेयर पे ही डिपेंड करते हों, तो उसके लिए हम लोग फोर्स, जब नेट फोर्स फाइंड करेंगे तो हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं। तो आप सपोज यहाँ पर एक कोई और Q4 होता है यहाँ पर, और सपोज इस बार ये नेगेटिव होता तो ये इसको क्या करता, रिपेल करता, तो ये 1/4 की वजह से वर्क करता। तो इस पर कितने फोर्स होते, एक ये और एक ये। अब जो इस पर रिजल्टेंट आता वो इन तीनों का रिजल्टेंट होता। कैसे निकालते इसको, पहले कोई दो का एक, सपोज इन दोनों का हम ये रिजल्ट निकालते, ये कुछ आता, फिर इन दोनों को भूल जाते, फिर इसका और इसका रिजल्ट निकालते तो ये कुछ ऐसा आता, ये फाइनली इस पर रिजल्ट होता है। तो रिजल्ट निकालने का वही पुराना मेथड, दो वेक्टर के बीच में कैसे निकालेंगे, सपोज हम इसके और इसके बीच में निकालेंगे तो इनका रिजल्ट ये जाएगा। अब इसको भूल जाएंगे। अब हमारे पास ये बचा और ये बचा। अब इन दोनों को लेकर के फिर से एक नया रिजल्ट बनाया जाएगा, तो इन दोनों फोर्सेस का फिर से नया रिजल्ट हो जाएगा। तो इस बॉडी पे ये नेट फोर्स आ जाएगा, और इस नेट फोर्स को हम लोग कह सकते हैं कि ये 1/2 जो 2 की वजह से था, और 1/3 की वजह से था, और 1/4 की वजह से था, उन तीनों का ये रिजल्ट है ये एफ नेट। तो वेक्टरली पहले हमने ऐसा किया था इस केस में, इसको और इसको जोड़ लिया था, फिर उसका जो रिजल्ट आया था वो 1/3 के साथ जोड़ लिया था इसके साथ। तो इस तरह से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में अगर एक से ज्यादा फोर्स एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रहे हो तो सबको हम लोग वेक्टरली ऐड करेंगे। इस पर एक क्वेश्चन भी कभी कभी सीबीएसई बना के दे देता है, उसको देखेंगे। सपोज हमारे पास एक सिंपल सिटी के लिए एक स्क्वायर ले लिया जिसकी साइड हमने ए ले ली, इस पर चार्ज क्यू ले लिया, इस पर 2q ले लिया, इस पर भी 2q ले लिया, और इस पर कोई हमने कैपिटल क्यू ले लिया।
या इसको टू क्यू ले लिया, इसको स्मॉल क्यू ले लिया, इसकी साइड ए है, हमको फाइंड करना है, क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाए, फाइंड द नेट फोर्स ऑन कैपिटल क्यू। तो कैसे फाइंड करेंगे, वेक्टर सम लेंगे, इस पर कितने लोग फोर्स लगा रहे हैं, एक ये टू क्यू लगा रहा है, एक ये क्यू लगाएगा और एक ये क्यू लगाएगा, इन तीनों से जो फोर्स होंगे वो अलग अलग डायरेक्शन में होंगे और एक दूसरे से अफेक्ट नहीं होंगे। सपोज इसको भी कुछ पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, सारे पॉजिटिव चार्ज अभी ले सकते हैं, इनके बीच में रिपल्सन होगा, ये इसकी डायरेक्शन ये रहेगी, इनके बीच भी रिपल्सन रहेगा, इसकी डायरेक्शन ये रहेगी और इसके बीच में भी रिपल्सन रहेगा, इसकी डायरेक्शन ये होगी। तो इस कैपिटल क्यू पर तीन फोर्स हो गए, एक इसके कारण, एक इसके कारण, आप देख सकते हैं इसका और इसका मैग्नीट्यूड सेम है और डिस्टेंस भी दोनों में सेम है, तो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों फोर्स इक्वल आएंगे। सपोज इन दोनों को हमने एफ एफ कॉल किया, इनके मैग्नीट्यूड को एफ कॉल किया, इसके फोर्स को एफ वन कॉल किया, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, तो जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, जब 90 डिग्री एंगल हो तो सिमिलर फोर्स के लिए एफ नेट कितना आता है, फार्मूला हम लोगों ने सीखा था 2f cos थीटा बाई टू, तो 2f cos 90 बाई टू मतलब cos 45, 2f cos 45 1 बाई रूट टू, तो रूट टू एफ आ जाएगा। तो यहाँ इस डायरेक्शन में दो फोर्स हो जाएंगे, एक f1 तो इसकी वजह से और इन दोनों का रिजल्ट f रूट टू, तो इस पार्टिकल पर दो फोर्स हो गए एक ही डायरेक्शन में, एक ये f1 और इन दोनों का रिजल्ट f रूट टू। अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो f नेट को आप क्या लिख सकते हो सुपरपोजिशन से, f1 प्लस f रूट टू। अब आप f की वैल्यू चाहें तो फाइंड आउट कर सकते हैं, f क्या होगा यहाँ पर, f इसके लिए फोर्स है तो k q1 q2 अपॉन ए स्क्वायर, एफ वन भी लिख सकते हैं ऐसे, इसकी वैल्यू होगी ए रूट टू के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए रूट टू, इनके बीच का डिस्टेंस है उसका स्क्वायर होगा। तो आप जब यहाँ पर एफ वन और एफ रूट टू की वैल्यू डालेंगे तो ये वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी, तो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, के बाई ए स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं दोनों में, तो यहाँ से 2q कैपिटल Q यहाँ पर होगा प्लस Q कैपिटल Q अपॉन 2, इसको भी पूरा बाहर ले सकते थे और सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करके हमको इस में फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो फिर से एक बार मैं आपको बताता हूँ, तो पहले इसका फोर्स, फिर इसका फोर्स, फिर इसका फोर्स, तीनों फोर्स की डायरेक्शन देखी और फिर मैंने वेक्टरली सॉल्व किया। हमको इसको इसको सॉल्व करना पहले ज़्यादा आसान लगा क्योंकि दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और उसको एफ कैलकुलेट, एफ कॉल किया, तो एफ की वैल्यू भी निकाल सकते थे। दो वेक्टर के बीच में अगर कुछ एंगल थीटा हो तो उसके लिए ये फार्मूला है, इन दोनों के बीच में 90 था तो ये 90 रख के मैंने सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ गई, मीन्स इन दोनों का जो वैल्यू आएगी वो एफ रूट टू आएगी। एक दूसरा मेथड भी हो सकता है, इसको इस डायरेक्शन में और इसी के परपेंडिकुलर, इसी तरह से इसको भी इस डायरेक्शन में और इसके परपेंडिकुलर ब्रेक कर सकते थे, ये दोनों कंपोनेंट कट जाते, इसका एक कंपोनेंट इधर, इस वाले का एक कंपोनेंट इधर, ये दोनों फिर से ऐड हो जाते, फिर ये चीज आती। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, वेक्टरली आप इन्हें सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं।